students and parents, hope you all are well. Today we will do in book 6. Today we will do page number 34. Now students, you also open your book and take out your page number, take out your pencil and eraser. Today we will do dash O dash E words 1. Okay students, in this there are two words which are common in each and every words. यहाँ पे O और जो E है वो हर एक वर्ड्स में होंगे, मगर जहाँ पे हमने डैश दिखाया है वहाँ पे दूसरे वर्ड्स आएंगे और उससे उस वर्ड के मीनिंग्स चेंज होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज O E वर्ड्स 1. ओके स्टूडेंट्स, सो व्यू देयर इज अ इमेज. ओके, इट्स अ लॉन्ग गाउन, लॉन्ग ड्रेस है, इट्स अ लॉन्ग ड्रेस, लूज ड्रेस जो पहनते हैं हम, दैट इज कॉल्ड रॉ, R O B E, raw. Okay, it's a long dress, loose dress. First of all, वो कैसा होता है? Loose होता है. Here there is a word cold, C O D E, cold. ऐसा word आपने कहाँ पे देखा होगा? जब भी आप mall में या कहीं पे भी जाओ, ऐसे shops में, बड़े shops में, वहाँ पे हर एक चीज के जो product होती है, उसके ऊपर ऐसा code होता है. That is called barcode. Okay, okay. ऐसा कोड होता है. उसके उससे उसकी प्राइस वो लोग डिसाइड करके हमें बताते हैं. ओके, प्राइस लिखी भी हुई होती है मगर बार कोडिंग से भी वो इजीली जल्दी काम करते हैं. That is called code. C O D E code. Here there is a word mode. M O D E mode. Mode means way. You are going to come. आप कौन से मोड से आओगे? By train or by plane? Okay, आप कैसे आओगे? तो by which mode you are going to come? आप कैसे आओगे? Mode means way. Okay, M O D E mode. Okay, here there is a word image that is poke. Poke means what? एक शार्प ऑब्जेक्ट से उस वो जो पर्सन है वो बलून को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोक. ओके, शार्प ऑब्जेक्ट से फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोक. पी ओ के ई पोक. हियर देयर इज अ वर्ड जे ओ के ई जो. जो मीन्स समटाइम्स वी से समथिंग और उससे एक ह्यूमर मतलब हंसी आती है, कोई ऐसी लाइन बोल दे, कोई ऐसा सेंटेंस बोल दे जिससे कुछ जोक मार रहे हैं, क्या आपने जोक मारा, मतलब कुछ ऐसी लाइन बोल दे जिससे हमें हंसी आती है. ओके, दैट इज कॉल्ड जोक. जे ओ के ई जोक. ओके, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ होल, H O L E होल. होल इज अ जिसमें खड्डा होता है, यहाँ पे जमीन के अंदर एक खड्डा दिखा है, दैट इज कॉल्ड होल. ओके, एच ओ एल ई होल. हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ नेशनल फ्लैग, और यहाँ पे नेशनल फ्लैग जैसे जो आयरन रॉड है बीच में उसको क्या होता है, पोल, एरो करके दिखा है, दैट इज पोल. कोई भी मेटल का या वुड का ऐसा राउंड होता है, दैट इज कॉल्ड पोल. इट्स अ लॉन्ग वन, लंबा होता है. ओके, और स्टैंडिंग पोजिशन में यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पोल. पी ओ एल ई पोल. हियर देयर इज अ वर्ड रोल, आर ओ एल ई रोल. आप जब भी कोई मूवी देखते हो या कोई सीरियल देखते हो तो आप कभी कभार बोल देते हो इसका रोल बहुत अच्छा है. आप छोटा भीम देखते हो तो भीम का रोल बहुत ही अच्छा है. तो रोल मीन्स वो जो एक्ट कर रहा है, वो जो रोल प्ले कर रहा है. ओके, इसको रोल, आर ओ एल ई रोल, किरदार अदा कर रहा है. ओके, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ सोल, मतलब यहाँ पे ये जो चाइल्ड है वो क्या दिखा रहे, अपना फुट दिखा रहे और फुट के नीचे का जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सोल. ओके, हम कई बार हमारे शूज के सोल चेंज करवाते हैं, मतलब नीचे का जो लेयर होता है
उनका अगर फट जाता है तो हम उसे चेंज करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल. ओके, हियर देयर इज अ वर्ड कम, सी ओ एफ ई, कम. कम यानी आओ, कम इन, हम कैसे बता रहे हैं आप अंदर आइए. ओके, सी ओ एम ई, कम. कम यानी आना. S O M E, some. Some means give me some milk, give me some curd. जब भी कोई चीज हम काम नहीं कर सकते उस टाइम पे उस चीज के आगे वर्ड यूज होता है some. ओके, give me some sugar. जिस चीज को हम काम नहीं कर सकते 1, 2, 3 में. ओके, that is वैसा जो uncountable चीज होती है उसके आगे वर्ड यूज होता है some. Some यानी थोड़ा. S O M E, some. Here there is a word D O M E, dough. आप यहाँ पे utensils देख रहे हो जो ऊपर से पूरा ऐसा round है. ओके, आपके घर में भी ऐसे bowls होंगे जो पूरे round होते हैं ऊपर से. ओके, ओके, नीचे की साइड से round होते हैं. यहाँ पे ये utensil को उल्टा रख के आपको round shape दिखाया है, that is called dough. D O N E, dough. Okay? Here there is a word, image of home. Home yani ghar. Jis ghar mein hum rehte hain hamesha ke liye. Okay? That is called home. Okay? Hamesha ke liye jis ghar mein hum rehte hain, that is called home. H O M E, home. We stay for a permanent basis. Okay, that is for home. Okay, students. Now, students, you make a habit of first of all do properly present. After that, you read the words and after that, you write properly. You make a habit of reading of that spellings 2 to 3 times at least. जिससे क्या होगा कि जिससे वो word का meaning और image आपको याद रहेगी. After that, you complete your work. Then after, you tell your mama to take a photo and send it to me. Now, thank you, students and parents. Stay safe at home.